टेक्नोलॉजी एवं सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित इन परियोजनाओं से कोयले की खपत और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन दोनों में कमी आएगी। इन परियोजनाओं की कुल बिजली का आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेगा। आज उद्घाटन एवं लोकार्पण होने वाली अन्य परियोजनाएं हैं कोरबा कोल फील्ड्स में स्थापित दीप का ओपन कास्ट कोल हैंडलिंग प्लांट एवं मांड रायगढ़ कोल फील्ड्स अंतर्गत छाल तथा बरौद कोल हैंडलिंग प्लांट। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स की ये परियोजनाएं इको फ्रेंडली तथा त्वरित रूप से कोयले के परिवहन को सुगम करेंगी। साथ ही कोयले की गुणवत्ता तथा सुरक्षित खनन के लिए भी ये प्रोजेक्ट्स बेहद उपयोगी सिद्ध होंगे। भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा के संचार एवं विस्तार के लिए 451 एकड़ क्षेत्रफल में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 100 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ 40 मेगावाट बटा 120 मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना की गई है। इससे सालाना करीब 25 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही बड़े स्तर पर स्थानीय रोजगार का अवसर बनेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 49 के बनारी से मसनिया कला खंड के निर्माण से बिलासपुर से रायगढ़ ओडिशा बॉर्डर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी, जिससे छत्तीसगढ़ के उत्पादों और कृषि उपजों की नए बाजारों और मंडियों तक पहुंच बेहतर होगी। और राष्ट्रीय राजमार्ग 130 शिवनगर से अंबिकापुर खंड के दो लेन पेव्ड शोल्डर के निर्माण से अंबिकापुर से बिलासपुर के बीच यात्रा निर्बाध एवं माल की आवाजाही सहज होगी। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से जांजगीर चांपा शक्ति सरगुजा कोरबा एवं आसपास के क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास होगा। बेहतर रेल कनेक्टिविटी के लिए बिलासपुर उसलापुर रेल फ्लाईओवर का लोकार्पण हो रहा है। इससे माल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और यातायात भी तेज होगा। भिलाई में 50 मेगावाट क्षमता के रेलवे सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया जा रहा है। ये परियोजना ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी के संकल्प से सिद्धि की मिसाल है, जिससे प्रतिवर्ष 86,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। डबल इंजन सरकार के साथ अमृत काल में चौतरफा विकास की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर विकसित और भव्य भारत के विजन को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी से उनके माननीय प्रधानमंत्री जी से उनके आशीर्वचन उद्बोधन के लिए सादर अनुरोध है। जोहार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधि और छत्तीसगढ़ के कोने कोने में मुझे बताया गया कि 90 से अधिक स्थान पर हजारों लोग वहां जुड़े हुए हैं। कोने कोने से जुड़े मेरे परिवारजनों, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की सभी विधानसभा सीटों से जुड़े लाखों परिवारजनों का अभिनंदन करता हूं। विधानसभा चुनाव में आपने हम सभी को बहुत आशीर्वाद दिया है। आपके इसी आशीर्वाद का परिणाम है कि आज हम विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आपके बीच में हैं। भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी, ये बात आज इस आयोजन से और पुष्ट हो रही है। साथियों,
विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा। विकसित छत्तीसगढ़ की नींव आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत होगी। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी लगभग 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें कोयले से जुड़े, सौर ऊर्जा से जुड़े, बिजली से जुड़े और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक विविध प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के और नए अवसर बनेंगे। इन परियोजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ के मेरे सभी भाई बहनों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसके साथ ही इस आधुनिक प्लांट के 1600 मेगावाट के स्टेज 2 का शिलान्यास भी हुआ है। इन प्लांट से देशवासियों को कम लागत पर बिजली उपलब्ध हो पाएगी। हम छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं। आज ही राजनांदगांव और भिलाई में बहुत बड़े सोलर प्लांट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें ऐसी व्यवस्था भी है जिससे रात में भी आसपास के लोगों को बिजली मिल जाएगी। भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल 0 करने का भी है। मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है। मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर, वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। इसके तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सरकार मदद देगी। सीधे बैंक खाते में पैसा भेजेगी। इससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और ज्यादा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीद लेगी। इससे परिवारों को हर वर्ष हजारों रुपए की कमाई होगी। सरकार का जोर हमारे अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने पर भी है। सोलर पंप के लिए
खेत के किनारे बंजर जमीन पर छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए भी सरकार मदद दे रही है। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार जिस प्रकार अपनी गारंटियों को पूरा कर रही है वो बहुत प्रशंसनीय है। छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को 2 वर्ष का बकाया बोनस दिया जा चुका है। चुनाव के समय मैंने तेंदुपत्ता संग्राहकों के पैसे बढ़ाने की भी गारंटी दी थी। डबल इंजन सरकार ने ये गारंटी भी पूरी कर दी है। पहले की कांग्रेस सरकार गरीबों के घर बनाने से भी रोक रही थी, रोड़े अटका रही थी। अब भाजपा सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम कर दिया है। हर घर जल की योजना, हर घर जल, इस योजना को भी सरकार अब तेजी से आगे बढ़ा रही है। पीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच का भी आदेश दे दिया गया है। मैं छत्तीसगढ़ की बहनों को महतारी वंदन योजना के लिए भी बधाई देता हूं। इस योजना से लाखों बहनों को फायदा होगा। ये सारे निर्णय दिखाते हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, छत्तीसगढ़ के पास परिश्रमी किसान, प्रतिभाशाली नौजवान और प्रकृति का खजाना है। विकसित होने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो छत्तीसगढ़ के पास पहले भी मौजूद था और आज भी है। लेकिन आजादी के बाद जिन्होंने देश पर लंबे समय तक शासन किया उनकी सोच ही बड़ी नहीं थी। वो सिर्फ 5 साल के राजनीतिक स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए 5 साल के राजनीतिक स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए फैसले लेते रहे। कांग्रेस ने सरकारें बार बार बनाई लेकिन भविष्य का भारत बनाना भूल गई, क्योंकि उनके मन में सरकार बनाना यही काम था, देश को आगे बढ़ाना ये उनके एजेंडा में ही नहीं था। आज भी कांग्रेस की राजनीति की दशा और दिशा यही है। कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे सोच ही नहीं पाती। जो सिर्फ अपने परिवारों के लिए काम करते हैं वो आपके परिवारों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। जो सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाने में जुटे हैं वो आपके बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता कभी नहीं कर सकते। लेकिन के लिए तो आप सब, आप ही मोदी का परिवार है।
आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। इसलिए मैं आज विस्तृत विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। 140 करोड़ देशवासियों को उनके इस सेवक ने अपने परिश्रम, अपनी निष्ठा की गारंटी दी है। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार ऐसी होगी कि पूरी दुनिया में हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा होगा। ये गारंटी पूरी करने के लिए मैंने अपने आप को खपा दिया। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार गरीबों के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। गरीबों को लूटने वालों को गरीबों का पैसा लौटाना पड़ेगा। आज देखिए, गरीबों का पैसा लूटने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। गरीबों का जो पैसा लूटने से बचा है, वही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं में काम आ रहा है। मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, सस्ती दवाएं, गरीबों के घर, हर घर नल से जल, घर घर गैस कनेक्शन, हर घर टॉयलेट, ये सारे काम हो रहे हैं। जिन गरीबों ने इन सुविधाओं की कभी कल्पना भी नहीं की थी, उनके घर में भी ये सुविधाएं पहुंच रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मोदी की गारंटी वाली गाड़ी इसलिए ही गांव गांव तक आई थी। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गारंटी वाली गाड़ी में क्या क्या काम हुए उसके सारे आंकड़े बताए, उत्साह बढ़ाने वाली बातें बताई। साथियों, 10 वर्ष पहले मोदी ने एक और गारंटी दी थी। तब मैंने कहा था कि ऐसा भारत बनाएंगे जिसके सपने हमारी पहले वाली पीढ़ियों ने बहुत आशा के साथ उन सपनों को देखा था, सपनों को संजोया था। आज देखिए, चारों तरफ हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे ना, वैसा ही नया भारत बन रहा है। क्या 10 वर्ष पहले किसी ने सोचा भी था कि गांव गांव में भी डिजिटल पेमेंट हो सकता है, बैंक का काम हो, बिल जमा कराना हो, कहीं अर्जी एप्लीकेशन भेजनी हो, वो घर से संभव हो सकता है? क्या ये कभी किसी ने सोचा था कि बाहर मजदूरी करने गया बेटा पलक झपकते ही गांव अपने परिवार तक पैसे भेज पाएगा? क्या कभी किसी ने सोचा था कि केंद्र की भाजपा सरकार पैसे भेजेगी और गरीब के मोबाइल पर तुरंत संदेश आ जाएगा कि पैसा जमा हो चुका है? आज ये संभव हुआ है। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री ने अपनी ही कांग्रेस सरकार के लिए कहा था, खुद की सरकार के लिए कहा था। उन्होंने कहा था
कि दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं तो गांव में जाते 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 सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा रास्ते में ही गायब हो जाता है। अगर यही स्थिति रहती तो आज आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति होती। अब आप हिसाब लगाइए, बीते 10 साल में बीजेपी सरकार ने 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 34 लाख करोड़ से ज्यादा, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी दिल्ली से सीधा आपके मोबाइल तक पैसा पहुंच जाता है। डीबीटी के माध्यम से देश की जनता के बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। अब आप सोचिए, कांग्रेस सरकार होती और एक रुपए में से 15 पैसे वाली ही परंपरा होती तो क्या होता, 34 लाख करोड़ में से 29 लाख करोड़ रुपए रास्ते में ही कहीं न कहीं कोई बिचौलिया चबा जाता। बीजेपी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत भी युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के लिए 28 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। अगर कांग्रेस सरकार होती तो उसके बिचौलिए भी इसमें से 24 लाख करोड़ मार लेते। बीजेपी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 3.25 लाख करोड़ रुपए बैंक में ट्रांसफर किए। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से भी 2.25 लाख करोड़ तो अपने घर ले जाती, किसान को पहुंचते ही नहीं। आज ये भाजपा सरकार है जिसने गरीबों को उसका हक दिलाया है, उसका अधिकार दिलाया है। जब भ्रष्टाचार रुकता है तो विकास की योजनाएं शुरू होती है, रोजगार के अनेक अवसर मिलते हैं, साथ ही आसपास के क्षेत्रों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य की आधुनिक सुविधाएं भी बनती हैं। आज जो ये चौड़ी सड़कें बन रही हैं, नई रेल लाइनें बन रही हैं, ये बीजेपी सरकार के सुशासन का ही नतीजा है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने वाले ऐसे ही कामों से विकसित छत्तीसगढ़ का सपना पूरा होगा। छत्तीसगढ़ विकसित होगा तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। आने वाले 5 वर्षों में जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा तो छत्तीसगढ़ भी विकास की नई बुलंदी पर होगा। ये विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे युवा साथियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। विकसित छत्तीसगढ़ उनके सपनों को पूरा करेगा। आप सभी को फिर से इन कार्यों की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।